नमस्कार आदाब न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है सर्दियाँ आ गई हैं और उसके साथ साथ दिल्ली की प्रदूषण की दिक्कतें भी वापस आ गई है दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह पाँच सौ पार कर गई जो सिवियर कैटेगरी में है और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछले पाँच सालों में दिल्ली की हवा कभी इतनी खराब नहीं रही जितनी इस साल है इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एजेंसी का कहना है कि उन्होंने एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया पूरे एनसीआर में तो इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क के डी रघुनंदन मौजूद है तो रघु इस साल भी पिछले कुछ सालों की तरह स्टबल बर्निंग को एक मेन रीजन मेन अहम कारण बताया जा रहा है इस प्रदूषण के पीछे पर पिछले तीन सालों में कम से कम ऐसा ही चलता आ रहा है तो ऐसा क्यों है कि कोई सुधार नहीं हो रहा है इस पे दो पहलू हैं पहली बात तो मेरे ख्याल से हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि दिल्ली में प्रदूषण का कारण को स्टबल बर्निंग ही मानना मेरे ख़्याल से गलत होगा स्टबल बर्निंग एक दो हफ्ते के पीरियड में होता है सर्दी के टाइम पे। इस टाइम पे ख़ास करके अक्टूबर के आखिर में नवंबर के शुरू में जब धान का फसल आ चुका होता है उसको निकाल लिया जाता है और उसके बाद फिर गेहूं की बुआई होती है तो ये इसके बीच का जो पीरियड है दो तीन हफ्ते का उसमें सबसे ज़्यादा स्टबल बर्निंग होता है क्योंकि किसान दबाव में है कि जल्दी से स्टबल को अपने खेतों से हटाए ताकि गेहूं की सोइंग जो है वो शुरू हो जाए तो वो इस पीरियड में स्टबल बर्निंग के वजह से प्रदूषण बढ़ता है और कोइंसिडेंस ये है कि इसी पीरियड में सर्दी की शुरुआत सीज़न की दिल्ली में और आसपास के इलाक़ों में इनफैक्ट पूरे मैदानी इलाके जो हैं पठानकोट से लेके पटना तक सर्दी का मौसम शुरू हो चुका होता है और उस मौसम में ठंडी हवा होने के वजह से जितने प्रदूषित जो पार्टिकल्स हैं ऊपर नहीं उड़ते हैं वो नीचे रहते हैं और उसके साथ अगर हवा ना चले या धीमे हो जाए तो और असर पड़ता है और प्रदूषण वहीं का वहीं बैठा रहता है तो इस वजह से अब जैसे आपने कहा कि 500 को पार कर गया पर अगर आप दो हफ्ते के बाद देखेंगे जब स्टबल बर्निंग कम हो चुकी होती है तब भी दिल्ली में 300 सौ साढ़े तीन इसका मतलब ये है कि स्टबल बर्निंग के अलावा कई कारण और हैं प्रदूषण के पीछे और हमें केवल क्योंकि इस टाइम पे एक आपातकालीन कंडीशन है ई ने डिक्लेयर कर दिया कि इमरजेंसी है हम सोचते हैं भैया है, स्टबल बर्निंग ही मेन कारण है ये मेरे ख़्याल से गलत आ, होगा पर इसके साथ जो दूसरी पहलू ये है कि हाँ बहुत सारे कारण हैं दिल्ली में ख़ास करके व्हीकल्स हैं गाड़ियाँ चल रही हैं मोटरसाइकिल चलते हैं कंस्ट्रक्शन हर जगह चल रहा होता है उसका धूल उड़ता है ये मेन कारण है प्रदूषण के दिल्ली में पर स्टबल बर्निंग हर साल हो रहा है सरकार ने काफ़ी कदम भी उठाए हैं केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार ने भी पर इसका हल नहीं निकल रहा और मेरे ख्याल से हमें इसके बारे में थोड़ा सा आ, चर्चा करें तो मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को फायदा होगा कि ये क्यों नहीं सफल हो रहे कई तकनीकी यंत्र भी बनाए गए हैं और कहा जाता है कि किसान इसको खरीदे आ, उसके लिए सब्सिडी भी दी जा रही है सरकार की तरफ से मेरा मानना यह है कि ये ऊपर से किए हुए कदम है मार्केट ओरिएंटेड बाजारीकरण की तरफ बढ़ते हुए कदम है ये किसान के दृष्टिकोण से अगर इसको देखें ये जो समस्या किसान के सामने आता है वो पूरे साल में एक हफ्ता तो उस एक हफ्ते के लिए वो डेढ़ दो लाख रुपए मशीन पे क्यों लगा अच्छा। जब विपरीत उसके सामने है कि एक माचिस की तीली लगाओ और काम हो गया तो इस समस्या को मेरे ख़्याल से अड्रेस करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की मदद के साथ मिल के, इसकी ज़िम्मेदारी कि धान की जो स्टबल जो बचता है खेतों में उसको या तो फिर से ज़मीन के अंदर डाल दिया जाए या उसको काट के बिजली पैदा करने का काम या गैस पैदा करने का काम ये हो सकता है पर इसके लिए जो मशीन चाहिए मशीन से लेके काम लेना उसको उठा के ले जाना ये ख़र्चा राज्य सरकार केंद्र सरकार खुद उठाए इसका बोझ किसानों के ऊपर डालना असफल रहेगा और इसको आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि मैं फाइन लगा दूंगा ये लगा दूंगा फिर तो जो भी आपने कानून बनाया किसान उसका उल्लंघन ज़रूर करेगा तो मेरा तो ये मानना है कि सरकार को ये कदम खुद लेना चाहिए जो सब्सिडी वब्सिडी पे ख़र्चा कर रही है उसकी जगह जो स्थानीय जिला लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स हैं उनको फंड करके उनके ज़िम्मेदारी दे कि वो खेतों को बारी बारी से अपने मशीनों को ले जाए ये काम करे और या तो पावर के लिए या फील्ड के अंदर उसको दबाने का काम ये करे और स्टबल बर्निंग की और बात की जाए तो ये परेशानी जो है ये थोड़ी मतलब ये, ये हाल ही की बात है कि स्टबल बर्निंग को इतना ज्यादा हम इसके बारे में इतनी बातचीत कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि ये प्रदूषण का कारण है तो ऐसा क्यों है कि ये अब जाके इतना बड़ा वजह बना है इस इसके भी पीछे दो कारण हैं मोटे पहला तो ये कि पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति आने के वजह से पूरे जो खेती का जो रिवाज है उसमें बहुत तब्दीली आई है पिछले तीस चालीस साल से जो पहले गेहूं और उसके साथ दाल और उसके साथ मकाई इनका इनकी खेती होती थी अब जो है धान उभर के आ गया है आ, सामने और ऊपर से आपने किसानों को छूट दी है कि वो नीचे का जो पानी है जमीन के नीचे के जो स्रोत है वहां से पानी निकाले और सिंचाई के काम में लगाए धान को उगाने के लिए तो इससे क्या होता है कि धान की पैदावार अब पंजाब हरियाणा पश्चिमी यूपी में बहुत बढ़ गया तो पहली बात तो ये है पहले यहाँ पे धान होता ही नहीं था अब इतनी बड़ी मात्रा पे धान उग रहा है इन तीन जगहों में तो एक ये कारण है इसके साथ जुड़ा हुआ कारण ये है कि ख़ास करके पंजाब और हरियाणा में पहले जब धान की खेती शुरू हुई थी तब लोग किसान लोग उसको हाथ से काटते थे तो जब हाथ से काटते थे फसल लेने के बाद वो बिल्कुल नीचे से काटते थे उसको तो स्टबल बचता ही नहीं था जब अगला हल चलेगा तो जितनी छोटी सी स्टबल होती थी वो वापस जमीन पे। अब जो है कंबाइंड हार्वेस्टर बड़ी मशीनें आती हैं जब वो काट के जाती हैं तो वो तकरीबन एक फुट दस इंच से बारह इंच वो छोड़ती हैं पीछे उसका क्या करें और जैसे मैंने पहले कहा कि अब दबाव ये है कि वो धान का सीजन खत्म और दो हफ्ते के अंदर आपने गेहूं को शुरू करना है तो आपके पास दो हफ्ते हैं कि जल्दी से इसको करो तो उसके उपाय क्या हैं तो जैसे अब हम बात कर रहे थे उसके उपाय मशीनीकरण वगैरह है तो वो तो एक हमने चर्चा कर ही ली पर जो आप सवाल पूछ रहे थे कि ये क्यों अचानक ये हुआ ये दो कारण हैं इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि किसानों को ठीक से इसके बारे में बताया नहीं गया कि आपके लिए सबसे फायदेमंद ये होगा कि जो हार्वेस्टर छोड़ता भी है उसको खेत के अंदर फिर से अगर डालोगे तो आपकी जो सॉइल है उसी को फायदा होगा और आपका पैदावार भी बढ़ेगा पर ये करने के लिए भी आपको पैसा भी आपको प्रयत्न करना चाहिए किसानों को मदद करना चाहिए आपको उससे कैसे उसको फिर ज़मीन के अंदर डाला जाए उसके लिए ट्रैक्टर उसके लिए जिसे कहते हैं स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम उसकी जो मशीनें हैं वो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स को दिए जाएं और लगाए जाएं उदाहरण के तौर पे आज के दिन पंजाब में तकरीबन 700-800 ऐसे मशीन हैं जो ये काम करते हैं 8000 हज़ार मशीन हैं जो ये काम करते हैं जो पिछले 8-10 साल में बिके हैं पर अनुमान यह लगाया जाता है कि अगर आपने पूरे पंजाब को कवर करना है पैंतीस हजार मशीनें आपको चाहिए यह तो नामुमकिन है और यह तभी हो पाएगा जैसे मैंने कहा अगर जिला लेवल पे ब्लॉक लेवल पे आपने कोऑपरेटिव्स को, को यह मशीन दी जो बारी बारी से किसानों के खेतों पे जाए और ये काम करे और हटाए ताकि किसान पे बोझ ना पड़े और क्लाइमेट चेंज को भी एक वजह बताया जा रहा है कि उसका भी प्रभाव हो रहा है जिसकी वजह से ये जो स्टबल बर्निंग है वो थोड़ा लेट हो गया है और सर्दियों के टाइम पे हो रहा है तो उस बारे में आप बता सकते बिल्कुल वो है आ, देश भर में आ, जो सीजन है आ, हार्वेस्ट का क्रॉप्स का वो तकरीबन दो से तीन हफ्ते शिफ्ट हुआ है क्लाइमेट चेंज के वजह से क्लाइमेट चेंज के वजह से क्योंकि तापमान बढ़ रहा है तो सीज़न भी उस हिसाब से बढ़ता है सीज़न जब चेंज होता है तो आपकी क्रॉप का बिहेवियर भी चेंज होता है तो आपको सोइंग सीज़न हार्वेस्टिंग सीज़न सब में तब्दीली आती है तो अब जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि ये सर्दी का टाइम है उसी टाइम पे स्टबल जला के आ रहा है सर्दी के वजह से वो सब नीचे बैठता है क्लाइमेट चेंज ना हुआ होता तो ये दो हफ्ते पहले होता दो हफ्ते पहले होता तो इतना असर ना होता और आखिर में आपने बताया कि स्टबल बर्निंग एक वजह है पर अगर वो ना भी हो अगर हम उसको ठीक भी कर ले तो और कई वजह है जिनकी वजह से दिल्ली का माहौल दिल्ली का पोल्यूशन का दिक्कत खराब रहता ही है तो खराब आप... रहता ही है और मेन चीज ये है कि आपने प्रदूषण को अगर टैकल करना है तो आपको ये समझना चाहिए कि पोल्यूशन इज़ अ मल्टी सोर्स प्रॉब्लम कई सोर्स होते हैं व्हीकल्स hmm. हैं धूल है स्टबल बर्निंग ये दो हफ्ते की बात है जहाँ पे होता है सबको इकट्ठे टैकल करना चाहिए आज के टाइम पे क्योंकि ये फोकस में है सब लोग स्टबल स्टबल की बात करते हैं hmm. वो ये भूल जाते हैं कि इन दो हफ्तों के अलावा hmm. आपके पास बाकी पचास हफ्ते जो साल के हैं उसमें तो गाड़ियाँ चल रही हैं ऊपर नीचे कंस्ट्रक्शन चल रहा है धूल उड़ रहा है सड़कों पे धूल पड़ा है उस पोल्यूशन के बारे में कितना किया है आपने नहीं किया क्योंकि जो आज 500 है वैसे भी औसतन आपका 300 के आसपास रहता है केवल गर्मी के एक दो महीने में जब हवा चलती है गर्मी है तो इसलिए प्रदूषण ऊपर उठता है तब थोड़ा सा 200 के आसपास तक आता है और वो भी डब्ल्यू एच ओ स्टैंडर्ड के मुताबिक चार गुना है तो दिल्ली दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से है और ये केवल दिल्ली नहीं उत्तर भारत के कई शहरों में ये हाल है जो टॉप फिफ्टी मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उसमें से तीस पैंतीस भारत में हैं तो ये एक फैला हुआ समस्या है गहरी समस्या है और इसको गहरे तौर पे हमें टैकल करना चाहिए तो ये जो बाकी वजहें हैं प्रदूषण की उनको ठीक करने के लिए उनको कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है और आपको क्या लगता है क्या करने की जरूरत है सरकार ने कुछ नियम बनाने की कोशिश की है धूल को रोकने के लिए मेनली जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है आपने देखा होगा दिल्ली में वो नीले रंग के पर्दे उसके सामने रख देते हैं ताकि धूल सामने ना जाए पर आपने ये भी गौर किया होगा कि कई जगहों पे जहाँ पे ये स्क्रीन लगता है वो फटे हुए कपड़े लगते हैं जिनका कोई ज़्यादा असर धूल को पकड़ के रखने का नहीं होगा प्लस जितनी कई सारे बिल्डिंगें हैं उनके सामने आपको रेत खुले में दिखेंगे जो भी कानून के ख़िलाफ़ है और जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन हैं शहर के बीच में इनके बारे में दोबारा से एक पुनर्विचार होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्टिविटी शहर के बाहर हो और कंप्लीटेड मिक्स शहर के अंदर आए ताकि शहर के अंदर कंस्ट्रक्शन का धूल कम हो दूसरा सड़कों पे जो धूल पड़ा रहता है गाड़ियाँ चलती हैं सड़क पे, उस धूल को उछालती हैं ऊपर और वो प्रदूषण को ऐड करता है तो उस धूल को ख़त्म करने के लिए रात के टाइम पे आपको शहर के अंदर पानी का स्प्रिंकलिंग करना चाहिए ताकि वो धूल को धोए सड़कों को धोए और वो धूल ड्रेन के अंदर जाए और वो यमुना की तरफ निकले जब आप अपने पोल्यूशन ट्रीटमेंट वगैरह करने के लिए वो ले आए पर उसके लिए आपके सड़कों का डिज़ाइन साइडवॉक वगैरह ठीक होने चाहिए अगर वहाँ पे पूरा धूल ही धूल है जो दिल्ली में अक्सर आप देखते हो कि सड़क है उसके दोनों तरफ बिल्कुल दूर ही दूर है तो तो नहीं कंट्रोल हो पाएगा तो ये तो आपको ठीक करना ही है मेन रही बात गाड़ियों की जब तक हम नागरिकों को इस बात पे मजबूर करें कि आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल को निकालो और सड़कों पे उतारो जब तक ये मजबूरी नागरिक के सामने रहेगा तब तक इसका हल नहीं होगा आपने जब तक सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का प्रबंध नहीं किया बसों के ज़रिए दिल्ली बड़े शहरों में मेट्रो होता है बाकी शहरों में बसें और सरफेस रेल जिसे कहते हैं मेट्रो तो नीचे चलता है या एलिवेटेड चलता है पर कई शहर हैं दिल्ली में जहाँ सड़कें काफ़ी हैं चौड़ी हैं जब आप ट्रैक सड़क पर लगा के उसमें सरफेस रेल को चला सकते हैं मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट आपको चाहिए किसी न किसी प्रकार से जिसकी बहुत किल्लत है आ, हिंदुस्तान में इस पर ठीक से प्रयत्न ना राज्य सरकारों ने किया ना केंद्र सरकार ने किया शुक्रिया रघु आज हमसे बात करने के लिए आज के लिए इतना ही देखते रहिए न्यूज you <laughs>